जबलपुर में बिजली विभाग की मनमानी इतनी बढ़ गई है जिससे अब उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बिजली उपभोक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अनाप शनाप बिजली बिल, गलत मीटर रीडिंग और बिना ठोस कारण के बिजली कनेक्शन काटने का क्रम विद्युत मंडल तो कर ही रहा है, लेकिन विद्युत मंडल द्वारा बुधवार की शाम अक्सर विवादों में रहने वाली निजी कंपनी सेटअप के अकुशल कर्मचारियों की गलती के कारण नेपियर टाउन इलाके में सप्लाई लाइन का वोल्टेज अचानक बढ़ गया था, जिसके कारण 150 से अधिक घरों की टीवी, एलईडी, सीएफएल बल्ब, फ्रिज, गीजर और इन्वर्टर सहित कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूक गए थे। नाराज बिजली उपभोक्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत मंडल का घेराव किया और बिजली कंपनी से क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग की है, और क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर लोगों ने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में करने की भी चेतावनी दी है। कांग्रेस पार्टी विगत 6 माह से विद्युत मंडल की लूट, जाति और शोषण के खिलाफ आंदोलित है। फिर चाहे बड़े हुए बिजली बिल थोप के शहर की जनता को लूटने का काम हो, फिर चाहे फेडको एवं स्टेपअप जैसी भ्रष्ट कंपनियों को ठेका देके लूटने की बात हो, फिर चाहे अकारण लोगों के घरों की बिजली काटने का कारण हो। ऐसा ही एक मामला आज 3 दिन पूर्व नेपियर टाउन इलाके में आया, जहां पर स्टेपअप जैसी भ्रष्ट कंपनी के द्वारा केबलीकरण का काम किया जा रहा था। दोपहर में 1 बजे उस कंपनी के द्वारा कार्य पूरा किया गया और 6 बजे उस ट्रांसफार्मर में आग लग गई। उस ट्रांसफार्मर से जुड़े तकरीबन 150 बिजली उपभोक्ताओं के घर, उन घरों में जहां जहां जो जो उपकरण चालू था वो नष्ट हो गया, जल गया, उसमें से आग लग गई। इसकी सूची हम समस्त कांग्रेसजनों ने विगत 2 दिन एक एक घर जाके बनाई है। ज्ञापन के माध्यम से डी महोदय को वो सूची भी संलग्न करी है कि अमुक व्यक्ति की अमुक चीज खराब हुई है, उसका ये मोबाइल नंबर है, उसका ये घर का लैंडलाइन नंबर है। शीघ्र अतिशीघ्र आप सर्वे करके नोट शीट बना के उसके मुआवजे की व्यवस्था करें। अगर आप डंडा चला के अपने बिलों को लेने का हक रखते हैं तो आपका ये कर्तव्य भी बनता है कि आपके माध्यम से, आपकी गलती से जिन जिन उपभोक्ताओं को आर्थिक हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करने का आपका दायित्व बनता है। 2 दिन के अंदर विद्युत मंडल अगर इन उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति नहीं करता है, जैसा कि अभी डी महोदय ने 2 दिन का हम लोगों से समय लिया है, तो कांग्रेस पार्टी इनके कार्यालय के सामने तंबू गाड़ के अनिश्चितकालीन बैठेगी और तब तक बैठेगी जब तक इन उपभोक्ताओं की जो आर्थिक हानि हुई है एक एक पैसे का हिसाब विद्युत मंडल नहीं दे देता, एक एक पैसे का मुआवजा इनको नहीं दे देता, तब तक कांग्रेस पार्टी इन आम जनता की, इन बिजली उपभोक्ताओं की लड़ाई के लिए यहाँ पर डटने का काम करेगी। जबलपुर से ईएमएस टीवी के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।